बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं इम्तियाज सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टैंडर्ड सियाल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। इन्फॉर्मेशन के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को हम देख रहे हैं कि कहाँ पे खड़ा है, ये सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। नए देखने वालों से दरख्वास्त है कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। हम हर एंगल से देखेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर इस गवर्नमेंट में क्या स्टैंड कर रहा है, आफ्टर बजट क्या सूरत हाल है। बजट के बाद की सूरत हाल कोई बहुत खुशहाल नहीं है, क्योंकि बजट रियल एस्टेट सेक्टर में जो आया है वो कोई इतना आइडियल नहीं है। टैक्सेस लगाए हैं, नॉन फाइलर को जो है टारगेट किया गया है कि नॉन फाइलर फाइलर बने, और मैं ये होना भी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे रेवेन्यू शॉर्ट है और हम हमेशा खसारे में चल रहे हैं, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने के जो भी तरीक़ाकार है जायज वो होना चाहिए। बहरहाल एकदम से आप इंडस्ट्री पे अगर किसी के इंडस्ट्री के ऊपर भी बोझ डालेंगे तो वो बैठ जाएगी और उसमें काम करने वाले लोगों का नुकसान होगा, और जो इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी बुरे असरात पड़ेंगे। हमें देखना है कि आया हम इस सूरत हाल में कहाँ पर काम कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर जैसे आप होल्ड करते हैं 2.5 करोड़ से ऊपर की, 25 मिलियन से अबव प्रॉपर्टी के ऊपर वो टैक्स लगाएंगे, तो हमें देखना है कि हमने काम तो करना है, काम करना है तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ते तलाश करना होंगे। मैं समझता हूँ कि जो बेहतरीन रास्ते हैं वो फाइल्स में अभी तक जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है, और फाइल्स ने रेट लेने भी हैं, बेहतर भी करेगी और ट्रांजैक्शन भी फाइल्स के अंदर ज़बरदस्त होने वाली है। जैसे कि हमने भी अपने व्यूअर्स के लिए एक प्रोग्राम लाया, लाहौर स्मार्ट सिटी, जो कि बड़ा जाना पहचाना ग्रुप है, हबीब रफीक जो इसको एज ए डिवेल्पर डिवेल्प कर रहा है, खुद उसका ऑन कर रहा है, उन्होंने काफ़ी पहले प्रोजेक्ट किए हैं, मैं ऑन ग्राउंड साइड पे भी गया हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। कि आया हम बड़ी इन्वेस्टमेंट की बजाय छोटे पॉकेट्स में इन्वेस्टमेंट करें, 5 मरला 10 मरला या अंडर वैल्यू कनाल जहाँ पे, कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी चलती रहे, कारोबार भी चलता रहे, आप लोगों का भी चलता रहे इन्वेस्टमेंट और हमारा भी रोज़गार चलता रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की सोसाइटीज़ को हमें देखना पड़ेगा जो कम अमाउंट के अंदर जा रहे हैं। डीएच लाहौर में आप फाइल्स 5 मरला 10 मरला 1 किनाल फेज 13 के अंदर बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस है, जैसे उसको वो फेज 13 की लोकेशन डिक्लेयर होगी तो इंशाल्लाह वहाँ पे बेहतरीन प्रॉफिट है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है फेज 13 में। इसके बाद हम फेज 10 को अगर देखते हैं तो फेज 10 के अंदर बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टर्स के लिए। फेज 10 में आप 10 मरला 1 किनाल परचेज कर सकते हैं, और उम्मीद है कि 2 कनाल भी या कमर्शियल आता है तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। बैलेंस जो फेज़ हैं 9 प्रिज्म और 7 7 के अंदर फाइल्स चल रही हैं, जिसमें 5 मरला 7 मरला और 10 मरला और किनाल की हैं। इसी तरह प्रिज्म में 5 मरला 10 मरला और 1 किनाल और 4 मरला एलोकेशन एफिडेविट कमर्शियल चल रहे हैं। ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन हैं हमारे लिए कि यहाँ पर हम काम करें। ऑन ग्राउंड प्लाट्स हैं तो उसमें भी आप जा सकते हैं, प्रिज्म में भी, 7 में भी, आप आईवी ग्रीन में जा सकते हैं। ये सेक्टर है जो हम इस बजट के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे काम होगा, और लाहौर स्मार्ट सिटी स्पेशल मैं कहता चलूँ कि हमारा पर्सन काम कर रहा है, आप बिना झिझक मेरे से रब्ता करें और कंटिन्यू इंशाल्लाह आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हम कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आपको फ़ायदा होगा। बाकी अगर मजमू तौर पर देखा जाए मार्केट की सूरत हाल कैसी जा रही है, तो बजट आ गया, इसके जो अभी आप देते कि 15 डेज हैं इम्प्लीमेंट होने में, आफ्टर 15 डेज मीन्स के 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पास हो जाएगा, असम्बली से हो गया, आगे जाएगा सेनेट में हो जाएगा, तो फिर इम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई से। तो उससे पहले काफ़ी तेज़ी है, जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी पड़ी हुई है उनको लोग वेंड अप कर रहे हैं, और ये काफ़ी गहमा गहमी आपको डीएचए में जाएंगे तो नज़र आएगी। लेकिन आफ्टर 1 जुलाई 30 जून के बाद सूरत हाल एकदम स्लो मोशन की तरफ जाएगी। देखना होगा कि हमारे जो एकदम से नॉन फाइलर के ऊपर इतना दबाव पड़ेगा, 5% पे लेके गए तो वो रुकेगा, वो अपना बंदोबस्त करेगा, वेट करेगा, कोई एंगल इस्तेमाल मुस्तलिफ एंगल इस्तेमाल करेगा, तो फाइलर्स जो होगा वो मार्केट में रहेगा, और फाइलर हमेशा कम है मार्केट में जो ट्रांजैक्शन करता है, जेन्युइन कस्टमर की मार्केट है और जेन्युइन ही ट्रांजैक्शन होगी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से हर सेक्टर में, हाउस सेल में, रेंट में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, कमर्शियल प्लॉट्स में, इनके हर एंगल से हम काम करें। किसी भी सेक्टर में आपको कोई भी चीज़ दरकार होती है, कोई भी क्यूरीज होती है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं 03-22-88-88-429, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। हम डीएचए मुल्तान को प्रॉपर डील करते हैं, रजिस्टर्ड अदारा अल्हम्दुलिल्लाह, डीएचए मुल्तान, डीएचए बहावलपुर, डीएचए गुजरावाला में भी आपकी क्यूरीज होती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
हमारी कोशिश है कि आपको वन विंडो ऑपरेशन के तहत सियाल स्टेट एंड सियाल मार्केटिंग जो है आपको प्रोवाइड करे सर्विसेज जहां पे भी आपको रियल एस्टेट सेक्टर में सर्विस की जरूरत है। बाकी वक्ती तौर पे पुराने इंशाल्लाह ये भी खत्म हो जाएंगे, आस्ता आस्ता यूज टू भी होना शुरू हो जाते हैं लोग। वो भी टाइम था जब नॉन फाइलर प्रॉपर्टी परचेज भी नहीं कर सकता था, वो टाइम भी हमने देखा है। हमने 2003 से मैं काम कर रहा हूँ, काफी पुरानी सूरत हाल हमने देखी। प्रॉपर्टी में मायूसी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, इंशाल्लाह बेहतर हालात की तवक्को की जा रही है। बेहतर हालात होंगे, हमारी भी बार्गेनिंग चल रही है गवर्नमेंट पंजाब के साथ भी और वफाक के साथ भी कि इसको आप मैनेज करें, किसी तरीके से रिलीफ दें ताकि सब लोगों को इससे फ़ायदा हो और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आए, ओवरसीज पाकिस्तानी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें और पाकिस्तानी जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारा सिस्टम और सर्कल सबका चलता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम प्रॉपर फेज के ऊपर देंगे। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।